Assalamualaikum, I am Akif Rundawa, lecturer at Time Institute Multan. In this lecture of subject biochemistry of disease, I will discuss about disorder of carbohydrate metabolism. Okay, here is the contents about that. I will discuss about disorder of glucose metabolism, disorder of fructose metabolism, as well disorders of galactose metabolism. इन इंट्रोडक्शन डेट के कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स में दोनों सोर्स से कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं ठीक है. द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट. डाइट का 65 से 70% जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कि अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट आए तो वो डिफरेंट इवन टाइप ऑफ डिजीज में जिसमें मोस्टली डायबिटीज है, उसके अलावा सीवीडीज है, उसके अलावा वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की फॉर्म में उसके कॉन्सिक्वेंसी शो होते हैं विच कैन लीड टू डेथ. इनबॉर्न एरर ये है कि उसकी मेटाबॉलिज्म में इश्यूज आता है उस कार्बोहाइड्रेट्स की ना, तो जो जो उसमें डिफेक्ट्स होते हैं वो ड्यू टू किसी भी एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, उसकी एक्टिविटी में इश्यूज की वजह से हो सकते हैं ठीक है. या तो वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा या उसकी एक्टिविटी कम होगी. अगर तो एंजाइम डेफिशिएंट है तो फिर क्या होगा कि जो जो विस्कोसिटी है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है रिएक्शन की वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम. इफ जो है इनएक्टिव स्टेज में है तो रिएक्शन होने नहीं है ठीक है ना. फर्दर व्हेन द एंजाइम ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज एब्सेंट इज आर डेफिशिएंट द पाथवे बिकम अबनॉर्मल. सच अबनॉर्मेलिटीज कैन अकर इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर. फर्दर आर डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. ये है कि पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी की होता है ठीक है, जिसमें और इसमें नेक्स्ट है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी और मसल फास्फो फ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी. नेक्स्ट इज असेंशियल पेंटोसूरिया होता है और एट द एंड आई विल डिस्कस अबाउट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज. फर्स्ट वन इज पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी. ये क्या है कि जब इसमें क्या होता है कि इसमें जब फास्फो इनोल पाइरूवेट की पाइरूवेट में कन्वर्जन होती है, जो एंजाइम वहाँ यूज़ होता है पाइरूवेट काइनेज उसकी डेफिशिएंसी होती है ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता. इट इज़ बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. द मोस्ट कॉमन एंजाइम डिफेक्ट इज ग्लाइकोलाइटिक पाथवे. ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में जो सबसे ज़्यादा एंजाइमेटिक डिफेक्ट होता है वो पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी होती है इसमें मोस्टली ना. ऑलमोस्ट ऑल इंडिविजुअल विद पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी हैव एन इसमें म्यूटेंट एंजाइम. द एंजाइम में शो अबनॉर्मेलिटी रिस्पॉन्स टू द एक्टिवेटर फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट्स. अबनॉर्मेलिटी इन द इसमें इसके वेलोसिटी की वजह में डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो उसका रेट है एंजाइमेटिक रिएक्शन का वो कम हो जाता है ठीक है. और फर्दर क्या है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसमें डिक्रीज हो जाती है. ज़ाहिर है जब प्रेजेंट नहीं होना एंजाइम ने या उसकी कंसंट्रेशन कम होनी है तो उसकी जो एंजाइमेटिकल एक्टिविटी वो डिक्रीज होनी है. देन क्या अमाउंट ऑफ एंजाइम डिक्रीज डिफेक्ट में एंजाइम डिक्रीज होना. 90% ऑफ द एनर्जी इन RBCs कम फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. के RBCs में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आती है ग्लाइकोलाइसिस से ठीक है. ATP इज नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. के ATP रिक्वायर्ड होता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए. हमें जितनी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं ATP का मेन सोर्स है. ATP हमें मेन मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि हमारी डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट है. अगर डिफिक्ट आए इसमें अगर इसमें डिफेक्ट आए तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस उसका रेट रिड्यूस हो जाता है ठीक है, जिसकी वजह से ATP की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है ठीक है. तो वो इसकी वजह से अल्टरेशन आती है RBC मेम्ब्रेन में विच लीड टू फेगोसाइटोसिस में होती है. एंड नेक्स्ट क्या है इसमें हेमोलाइटिक एनीमिया अकर होता है. एंड सिम्टम आर ड्यू टू द
हेमोलाइटिक एनीमिया, इसमें स्प्लीनम के लिए इसमें स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, हिपोटम के लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। ट्रीटमेंट इंक्लूड ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, या फिर क्या के वो स्प्लीन को रिमूवल कर दें बॉडी से। द इफेक्ट रिस्ट्रिक्टेड टू आरबीसीज के क्या के हेप्टिक जो के इज इनकोडेड बाय द सेम, ये जिन ऑटोसोमल है तो इसमें जेनेटिकली डिफेक्ट होता है कि इसमें जो जीन्स होता है जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से इशू बनता है। इसमें लिवर सेल आर शो नो अफेक्ट, इसमें लिवर पे इतने इफेक्ट शो नहीं होते क्योंकि जो लिवर है एटीपी वहाँ प्रोड्यूस हो रही होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से। एंड द नेक्स्ट इज इंडिविजुअल विद हेट्रो हेट्रो राइजस फॉर पीके डेफिशिएंसी आई हैव रेजिस्टेंस टू अ मोस्ट वेयर फॉर्म ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कोग्निशन लैक्टिक एसिडोसिस, एसिडोसिस का मेन काज है। तो द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी जो है कम्प्लेक्स इज द प्रोटीन एग्रीगेटेड कंटेन आ थ्री, इसमें एंजाइम होते हैं इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सीप्रोपाइल ट्रांस ट्रांस एसिटाइलेज है, और इसमें डिहाइड्रोक्सीप्रोपाइल डिहाइड्रोक्सीजिनेज है, ये तीन एंजाइम है, इसमें डिफेक्ट आता है। तो ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिकार्बोक्सिलेशन इन पायरुवेट, ये इसका रिएक्शन देखे इसमें जब डिफेक्ट आता है। एंड द नेक्स्ट इज पायरुवेट इज डी कार्बोक्सिलेटेड बाय पीडीएच, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइल पीडी। ये तो हम ना प्रॉपर इसे जब डिस्क्राइब करूँगा डिस्कशन में करेंगे इसे हम तब करेंगे, ठीक है, ये इसके रिएक्शन है कि किस तरह ये इफेक्ट करता है। देन लाइक इसमें यह है कि ग्लूकोज से बनता पायरुवेट ना, पायरुवेट ने जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना होता है तो उसमें क्या होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वहाँ पे यूज़ होता है जिसने पायरुवेट को कन्वर्ट करना होता है ना, तो वो डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि लैक्टेट प्रोड्यूस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस नहीं होती। सिम्टम इसके ये हैं कि वेरीज करते हैं, इसमें न्यूरोजनरेशन इशू बनते हैं, ठीक है, न्यूरो डिजनरेशन इशू बनते हैं, मसल स्पेसिफिसिटी होता है, इसमें क्या होता है मसल जो है इसका टेंडर जो है इसमें स्पेसिंग आ जाती है। इन न्यूनेटल ऑनसेट फॉर्म अर्ली डेथ, न्यूनेटम अर्ली डेथ होता है, इसमें ट्रीटमेंट क्या है कि डाइट रिस्ट्रिक्शन कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट से की हमने डाइट रिस्ट्रिक्शन करनी, इसके अलावा सप्लीमेंट देने विद विटामिन बी जो है थायमिन B1 और B12 भी इसमें देते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ द थायमिन एंड नायासिन आ कैन काज आ सीरियस, इसकी वजह से डिफरेंट किस्म के इशू बनते हैं, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम बनता, वो इशू बनता है। उसके अलावा जो ब्रेन रिलेटेड कुछ डिजीज हैं एनन्फलेक्सिया है, ठीक है, वर्निस कोर्साकोफ है, उसके बाद साइकोसिस है जो कि थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और जो मोस्टली जो अल्कोहल अब यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादा होता है। उसके अलावा आर्सेनिक और मरकरी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जो रिएक्ट करती है जो कि सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं इन लाइपोलैटिक एसिड एंड इनहिबिट द पीडीएच। नेक्स्ट मसल फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज डेफिशिएंसी, ये रेयर है, द एक्सरसाइज कैपेसिटी ऑफ द मसल इज लो, सिम्टम वर्सन देन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, के ज़्यादा जब कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट लेंगे तो इसके सिम्टम ज़्यादा होंगे। प्रोवाइड आ लिपर जेल अल्टरनेटिव फ्यूज, जब देखें कि हमारे ब्रेन को भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कार्ब रिक्वायर्ड और शुगर एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं, तो जब नहीं होता तो उसमें लाइपो उसमें जो प्रोटीन है और जो फैट्स है वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है, उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, वो यूज़ होता है, जब वो भी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है
के जो वो होते कीटोन बॉडीज होती हैं, कीटोन बॉडीज यूज होती हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वर्क कैपेसिटी इज इम्प्रूव्ड व्हेन आ ब्लड फ्री फैटी एसिड एंड अ कीटोन बॉडी लेवल आर इंक्रीज। हर के बाद में कीटोन बॉडी यूज होती हैं ब्रेन के लिए। और देन ये क्या है, हेक्सो मोनोफॉस्फेट शंट है। इसमें क्या है, फाउंड इन लिवर, लैक्टेटिंग मैमल्स, एडिपोसाइट्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, आरबीसी। इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं इसमें, रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। प्रोवाइड एनएडीपीएच एंड राइबोस फास्फेट्स। नेक्स्ट इज आ ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। कॉमन इन जो कि जिनकी डाइट मेडिटेरियन डाइट है या फिर वेजिटेरियन होते हैं उनमें ये ज़्यादा इशूज़ बनता है। 400 मिलियन पीपल आर कैरी म्यूटेड जीन्स कास्ड बाय, ये भी इम्यून रिलेटेड जीन्स रिलेटेड डिसऑर्डर है कास्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन। मैनी म्यूटेशन दाम, एक तो ये कि जो जो उसकी कैटलेटिक एक्टिविटी है उसकी में डिक्रीज आना, उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है इसमें ना। तो एन अल्टरनेशन ऑफ बाइंडिंग अफिनिटी फॉर एनएडीपीएच एंड एनएडीपी आर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है, ये मोस्टली मेल्स में ज़्यादा होती है। प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स मेनली अफेक्टेड मेल। यूज़ ऑफ एनएडीपीएच क्या है कि एनएडीपीएच का यूज़ क्या है कि एक तो ये रिडक्टिव सिंथेसिस में यूज होती है, इसके अलावा रिड्यूस H2O2 में, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं ठीक है, जो कि कैंसर कार्जिंग है। और इसमें साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज सिस्टम में यूज होते हैं, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में यूज होते हैं, उसका सिंथेसिस और नाइट्रोजन ऑक्साइड में यूज होते हैं ठीक है। हाइड्रो रिडक्शन ऑफ H2O2 हाइड्रो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ठीक है। इट इज़ अ वन ऑफ द फैमिली ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। रॉस क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिससे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल जब प्रोड्यूस होते हैं वो कैंसर कार्जिंग है, कि जो अपोप्टोसिस में प्रोसेस होना था वो नेक्रोटिक में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर फॉर्म फ्रॉम द पार्शल रिडक्शन ऑफ द मालिक्यूल ऑक्सीजन। इसमें क्या है कि उससे पार्शियल रिडक्शन होती है ऑक्सीजन मालिक्यूल की, जिसके नतीजे में जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं। दीज कंपाउंड आर फॉर्म कंटिन्यूसली एज अ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द एरोबिक मेटाबॉलिज्म। व्हेन द लेवल ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स आर डिमिनिश, ज़ाहिर है जब एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम होगा बॉडी में तो उसके नतीजे में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कार्ज होगी ठीक है। जब फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए तो हाईली रिएक्टिव ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि डीएनए को डैमेज करते हैं, उसके अलावा प्रोटीन को, उसके अलावा जिसमें लिवर डिजनरेशन होती है, जिसमें वो भी यही प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि इसमें ड्यू टू इन्फेक्शन क्या होता है कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, फ्री ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज होती है जो कि डिस्ट्रक्शन कर देती हैं लिवर सेल की। एंड अनसेचुरेटेड लिपर्स एंड कैन लीड टू डेथ, कि इवन इसका इतना हाईली पोटेंशियल होता है कि ये ऑर्गन पे को डैमेज करती है, और इवन एट अ टाइम 2 से 3 ऑर्गन पे ये को अफेक्ट कर सकती है ना। द सेल हैव अ सेवरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, के बारे सेल में डिफरेंट मैकेनिज्म है जो के उसके पोटेंशियल अफेक्ट शो करते हैं अगेंस्ट टॉक्सन। ये कि पाथवे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म जो एरिथ्रोसाइट्स है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो रोल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इन आरबीसी क्या है कि डिफेक्ट जब आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में तो एनएडीपीएच आ रहे रिड्यूस होना, क्यों एनर्जी प्रोफ बननी नहीं है तो रिड्यूस होना, यानी डिक्रीज द लेवल ऑफ रिड्यूस ग्लूटाथायोन। जब ग्लूटाथायोन का लेवल डिक्रीज होगा तो डिक्रीज आएगा सेल डिटॉक्सिफिकेशन में, सेल प्रॉपर डिटॉक्सीफाई नहीं करेगा, फ्री रेडिकल ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगी ठीक है, और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगी मेम्ब्रेन प्रोटीन के। आरबीसी जो मेम्ब्रेन बिकॉम आर रिजिड एंड नॉन डिफॉर्मेबल ठीक है, डिस्ट्रॉयड होती है एंड पे, कि जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होती है, उसके अलावा
प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है ग्लूकोज 6 फास्फोर डिहाइड्रोजिनेज में, ये है कि ये जो है जो इंडिविजुअल होते हैं ना सिम्टम कम शो होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंडिविजुअल डू नॉट शो आ सिम्टम आ प्रेजेंट आर न्यूनेटल ज्वाइंटर, न्यूनेटल बच्चों में ज्वाइंटिस होता है उसमें इश्यूज होता है ये। उसके अलावा डिवेल्प आ हेमोलाइटिक नीमिया इफ़ दे आर एक्सीडेड टू, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेंट जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है। फेविज्म क्या है कि फावा बीन्स होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी ये होता है कि अगर कोई पेशेंट में ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डेफिशिएंट नहीं है उनमें तो इतना नहीं शुक्र है, लेकिन जिनमें ये डिक्रीज होता है उनमें फावाबीन डेफिनेटली इफेक्ट शो करता है। देन क्या है कि इन्फेक्शन इन्फेक्शन क्या है कि द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन जनरेटेड जनरेट फ्री रेडिकल इन मैक्रोफेजिस विच कैन डिफ्यूज इनटू आरबीसीज कॉजिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज। देन असेंशियल पेंटोसूरिया, इसमें क्या है कि रेयर बिगन हेरिडेटरी कंडीशन है ये भी, इसमें क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सैलोज रिडक्टेज एंजाइम में इसकी डेफिशिएंसी होती है। एंड नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो है जेनेटिक टर्म टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ, ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इट में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी ऑटोसोमल ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी कॉज बाय डिफेक्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इन बोथ लिवर एंड मसल, कैरेक्टराइज बाय इसमें क्या होता है डेपोजिशन ऑफ अबनॉर्मल टाइप ऑफ ग्लाइकोजन होती टिश्यूज टू फेलर इन द मोबिलाइज ग्लाइकोजन विच लीड टू अ लिवर डैमेज एंड द मसल वीकनेस एंड समटाइम लीड टू डेथ। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज से बनती है, ग्लूकोज जब बॉडी में जाके स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। प्रेजेंट इन लिवर क्या है मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कौन करता है, लिवर। मसल क्या है सर्व एज अ फ्यूल रिजर्व ड्यूरिंग मसल एक्सरसाइज, ठीक है। जिनका पाथवेज ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोन्यूजेनेसिस के जब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, तो किस तरह नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ग्लाइकोलाइसिस जो स्टोर है वो किस तरह यूज़ होती है। देन ये कि डिजीज़ हैं, इसमें हर डिजीज में कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ये हम देखेंगे कि किस तरह डेफिशिएंसी होती है, कौन कौन से एंजाइम की होती है, उसके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं। एक डिजीज़ है इसमें पोम्पे डिजीज़ है, इसमें क्या होता है लाइसोजाइम अल्फा 4 अल्फा 6 की डेफिशिएंसी होती है इसमें। इसमें भी क्या होता है कि इसमें मोटरी हार्ट फेलोर और इसमें डिस्ट्रॉफी मसल डिस्ट्रॉफी होती है। और इसमें एक डिजीज़ है लिमिटेड डेक्टिनोसिस है, इसमें क्या लिवर डिब्रांचिंग एंजाइम यूज़ होता है इसमें, उसकी डेफिशिएंसी होती है। इसमें मसल वीकनेस होती है और वोन गैरकी डिजीज है, इसमें ग्लूकोज 6 फास्फोर जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वोन गैरकी डिजीज है, इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसमें हाइपो विच कैन लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया, इसके क्लिनिकल फीचर्स में हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोकेटोनयूरिया है और विच लीड टू अर्ली डेथ। ये इसमें होता क्या है कि ग्लाइकोजन जो है कॉमुलेट हो जाती है इन द लिवर, ठीक है। एंड रेनल ट्रिब्यूल्स हाइपोग्लाइसीमिया है, इसमें लैक्टिक एसिडोसिस और कीटोसिस और हाइपरलिपिडीमिया काज करता है। या इसी तरह नेक्स्ट जो है लाइसोसोमल डिजेनेटिव डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ये क्या है कि इसमें क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इज कंटिन्यूसली डिग्रेडेड बाय अ लाइसोसोमल एंजाइम एंजाइम जो कि क्या है ग्लूकोसाइडेज है, ठीक है। इसमें क्या पर्पस इसका अनोन है। डेफिशिएंसी ऑफ जिस एंजाइम क्या है कोमुलेशन इसके नतीजे में डेफिशिएंसी के नतीजे में क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है इन लाइसोजाइम में कोमुलेट होता है,
उसके पोम्पेट डिजीज काज करता है। पोम्पेट डिजीज का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन ये डिफरेंट किस्म के डिजीजेज हैं, इसमें कौन कौन से इंजाइमेटिकल डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, और इनके क्लिनिकली कॉन्सिक्वेंसेज कौन कौन से हैं। हेयर डिजीज है, हेयर डिजीज है, इसमें क्या होता है कि लिवर फास्फो राइलेज इंजाइम डेफिशिएंट होता है, ठीक है। इसमें हिपाटोम गैली के लिवर सेल लिवर जो साइज इंक्रीज हो जाता है, इसका एक्युमुलेशन और ग्लाइकोजन हो जाती है, लिवर में मिड हाइपोग्लाइसीमिया होता है इसमें। तो उसके अलावा टेरॉइस डिजीज है, इसमें क्या है कि जो मसल है इथ्रोसाइट्स हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की डेफिशिएंसी होती है, इसमें पुअर एक्साइट और टॉलरेंस है, मसल ग्लाइकोजन अबनॉर्मेलिटीज आर हाई होती हैं इसमें। उसके अलावा बल ब्लड जो है लैक्टेट है वेरी लो आफ्टर एक्सरसाइज, तो इसमें मोस्टली सांस के इश्यूज भी आते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट इज अ डिसऑर्डर ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, एसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया है इसमें, उस हेडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है इसमें, साइकिल है फैटी एसिड सिंथेसिस होती है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट है एसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया, इसमें क्या है कि फ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होती है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव ये भी डिजीज है। उसके अलावा फ्रुक्टोज कोमुलेट होता है इन यूरिन में, है ना, फ्रुक्टोज कोमुलेट, उसमें यूरिनेशन सीज से यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। हेडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस क्या है कि एल्डोलेज बी इसमें डेफिशिएंट होता है, ठीक है, और इसमें सीवियर क्लिनिक कंडीशन है, सिम्टम बिगन व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू सुक्रोज आर फ्रुक्टोज डाइट, के जब भी इन्हें हाई फ्रुक्टोज पे या सुक्रोज पे लग जाएंगे सिम्टम शो होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एटीपी फाल कर जाते हैं, क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एएमपी राइज कर जाते हैं, जब एएमपी डिग्रेडेटेड होंगे इन द एब्सेंस ऑफ फास्फोर, तो उसमें क्या होगा हाइपर यूरिसीमिया होगा, ठीक है। एंड इसमें हेप्टिक एटीपी फाल हो जाता है, तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि ग्लूकोनियोजेंसिस डिक्रीज होती है और सवेर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो और फर्दर क्या है कि अगर हेप्टिक जो एटीपी वो फाल कर जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस में डिक्रीज आता है, और इसकी ट्रीटमेंट ये है कि रैपिड डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ सुक्रोज एंड सुक्रो डाइट, इनकी डाइट से टोटली फ्रुक्टोज और सुक्रोज को हमने माइनस कर देना। नेक्स्ट इज आ डिसऑर्डर ऑफ गलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या है गलेक्टोसीमिया है, गलेक्टोसीमिया ये साइकिल है इसका के। तो नेक्स्ट ये कि क्लासिकल गलेक्टोसीमिया है, उसके अलावा गलेक्टो का नेर डेफिशिएंसी, जो क्लासिकल गलेक्टोसीमिया है तो इसमें क्या होता है कि यूरिडाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसीज होती हैं, इसमें भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें क्या है ग्लूकोज 1,6,1 फास्फेट जो है उसमें लिवर डैमेज करता है। उसके अलावा सीवियर आ मेंटल रिटार्डेशन, वेरियन फेल्योर एंड कैटरेक्ट्स इसमें इशू बनता है। थेरेपी ये एक रैपिड डायग्नोज है, रिमूवल कर देना इसमें लैक्टोज को फ्रॉम डाइट से, क्योंकि लैक्टोज इसमें ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। जब हम लैक्टोज फ्री करेंगे अल्टीमेटली गलेक्टोज फ्री हो जाएगा। गलेक्टो काइनेज डेफिशिएंसी क्या है, गलेक्टो काइनेज डेफिशिएंसी रेयर है, ये भी ऑटोसोमल है, ये भी बिगन कंडीशन है, मोस्ट एलिवेटेड एलिवेशन ऑफ गलेक्टोज इन ब्लड एंड यूरिया एंड यूरिन। काफ़ी ये हैं कि गलेक्टोज अकूमलेशन ऑफ द गलेक्टियोल अकूमलेशन ऑफ गलेक्टोज इन पर्सन डाइट, इसमें यही है कि डाइट से गलेक्टोज को हमने रिमूव कर देना। देन का है डायबिटीज मिलाइटस, टू टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज जो इन्फेंट ऑनसेट डायबिटीज मिलाइटस है, टाइप 2 डायबिटीज जवानल ऑनसेट और अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मिलाइटस है, ठीक है। ये कोई सिंगल डिजीज नहीं है, ये बेसिकली आ हेट्रोजीनियस ग्रुप्स ऑफ मल्टी फैक्टोरल पॉलीजेनिक सिंड्रोम्स हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ये एक लीडिंग कॉज है मेटाबॉलिक रिस्क का, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, विच कैरेक्टराइज बाय द एलिवेशन ऑफ द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, कॉज बाय रिलेटिव एंड द एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी इन इंसुलिन, इसमें या तो होता है कि इंसुलिन होता ही नहीं है या इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है।
जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। उसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, ठीक है। इसमें होता है कि इंसुलिन बन ही रहा होता है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इसमें इंसुलिन बन तो रहा होता है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी होती है। देन क्या है, टाइप 1 डायबिटीज क्या है, करेक्टराइज बाय अब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज बाय द ऑटोइम्यून अटैक ऑन द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज के। ऑटोइम्यून अटैक होता है बीटा सेल्स पे, जिसके नतीजे में क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती, ठीक है। जो फैक्ट्री है इंसुलिन की, वही वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। ओवर द पीरियड ऑफ द ईयर द ऑटो इम्यून अटैक ऑन द बीटा सेल आर लीड टू अ ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ द बीटा सेल पॉपुलेशन। इसमें नेक्स्ट है कि सिम्टम अपियर अब्रप्टली व्हेन 90% ऑफ द बीटा सेल हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो 90% जब डिस्ट्रॉय होते हैं बीटा सेल तो इसके सिम्टम शो होते हैं। एट दिस पॉइंट द पेंक्रियाज फेल टू रिस्पॉन्ड द एडिक्वेटली टू इंजेक्शन ऑफ द ग्लूकोज एंड इंसुलिन थेरेपी इज रिक्वायर्ड। टाइप 1 में ये मोस्टली बच्चों को होती है, बड़ों में कम ही इशू बनते हैं क्योंकि उनमें अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, उसके सिम्टम शो हो जाते हैं। तो जो एल्डर्स हैं उनमें तो टाइप 2 डायबिटीज ही होता है मोस्टली। मेटाबॉलिक चेंजेस इन टाइप 2/1 डायबिटीज, ये क्या है कि अफेक्ट लिवर मसल एडिपोसाइट्स, ये हाइपर ग्लाइसीमिया काज करेगा, इंक्रीज द हेप्टिक प्रोडक्शन विच इंक्रीज द हेप्टिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज वाया ग्लूको न्यूजेंसी डिक्रीज द पेरीफेरल यूटिलाइजेशन। मसल एंड एडिपोसाइट टिश्यू हैव द इंसुलिन सेंसिटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फोर। उसके अलावा क्या है, ये कीटो एसिडोसिस का करें। कीटो एसिडोसिस क्या है कि इसमें जो मोबिलाइजेशन होती है फैट्स की, फैटी एसिड की, जो एडिपोसाइट टिश्यूज है वो, क्योंकि जब ग्लूकोज नहीं होना बॉडी में, रिक्वायरमेंट होनी है बॉडी की, तो फिर क्या होना, कीटोसिडोसिस होती है कि बॉडी में कीटोन बॉडी जो है, जो फैट से आते हैं वो एज एन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं, ठीक है। विच एक्सेलरेटेड आ हेप्टिक बी ऑक्सीडेशन विच लीड टू इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज। द नेक्स्ट इज आ हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया। इसमें क्या है कि ट्राइग्लिसराइड लेवल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, कि फैटी एसिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड बनता है विच इज पैक्ड एंड द सेक्रेटेड इन VLDL डिक्रीज लाइपो प्रोटीन लाइपेज। इसमें जो जिसमें प्रोटीन लिपर की डिस्ट्रक्शन करनी होती है उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है। उसके अलावा इंक्रीज VLDL वेरी लो डेंसिटी इसमें इंक्रीज होती है, LDL लेवल इंक्रीज होता है, HDL भी इसमें कम हो जाता है। नेक्स्ट फर्दर इज टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ आर कॉमन, आर 70 से 80% जनरल पॉपुलेशन इज अफेक्टेड इन टाइप 2 डायबिटीज़ आर डेट ड्यू टू द इंसुलिन और रिस्टेंस। के इसमें इंसुलिन होता है तो ये, लेकिन उसमें इंसुलिन रिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है टू शुगर। देन मोस्टली जो 20% है उसमें 80% चांसेस होने हैं कि उनको 30-40 ईयर पर जाके वो बेस्ती उनमें काज हो जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली एज 37 पे होता है, उसका सिम्पटम डेवेल्प ग्रेजुअली। देन क्या है, मेटाबॉलिक चेंज इन टाइप 2 डायबिटीज क्या है, रिजल्ट इन इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑन द लिवर मसल एंड डिपोसाइट्स। इसमें हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, इंक्रीज हेप्टिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कंबाइंड विद डिमिनिश पेरिफेरल यूज। हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया होता है इसमें, उसमें क्या है कि VLDL की कंसंट्रेशन और साइलोमाइक्रोन की कंसंट्रेशन वो एलिवेट हो जाती है। देन द लॉन्ग स्टैंडिंग एलिवेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज इज एसोसिएटेड विद द क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज इंक्लूडिंग अथीरोसक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि अथीरोसक्रोसिस में जो आर्टरीज हैं वो हार्डनिंग हो जाती है उनकी, उसमें ब्लड ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और विच कैन लीड टू उसमें थ्रम्बस भी बन जाता है, इस्कीमिक हार्ट हार्ट सिंड्रोम में जाता है। रिटानोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, के नेफ्रोपैथी किडनी रिलेटेड है, कि किडनी का कोई भी जो इशू होगा वो नेफ्रोपैथी है। बोथ फ्रुक्टोज एंड सोर्बिटोल आर फाउंड इन द लेंथ विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन इन डायबिटीज। डायबिटीज इस डायबिटिक कैटरिक कैटरिक से वीएन में इशू आता है उनके, ठीक है। उसमें मोस्टली
जिसे कहते हैं कि वायर से जरिए आ जाती है इसके, ठीक है। देन अ फर्दर इस सोर्बिटोल पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रुक्टोज फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज। जो सोर्बिटोल पाथवे है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्रुक्टोज की जो फार्मेशन होती है ग्लूकोज से, एंड इंक्रीज द एक्टिविटी इन टिश्यूज आर डेट आर नॉट इंसुलिन सेंसिटिव। एंड कंक्लूजन डेट आर डिफेक्ट इन द कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म नॉट ओनली डिफेक्ट इन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिक पाथवे बट आल्सो अदर मेटाबॉलिक पाथवे के, जो कार्बोहाइड्रेट की डिफेक्ट होता है उसमें उसमें एंजाइम एंजाइमेटिक फंक्शन में, तो वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के पाथवे को डिफेक्ट कर रहा है, उसके अलावा जितने इफेक्ट्स हैं अदर जो हैं पाथवे उनको डिफेक्ट करता है। नेक्स्ट सम डिजीज आर फेटल सो इजली डिटेक्शन एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये कि डायबिटीज़ है या फिर टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज़, यही मेन है जो कि इनसे इशू होता है हमें ना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो नॉर्मेलिटी जाती है। यही है कि इसके लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन ये कि आप उसे परमानेंट लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन के साथ अगर आप वर्क करें तो उसके इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं, उतना इशू नहीं बनता, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह।